नमस्कार गैल्वियंस, जय गैल्वे, जय भारत। मैं कुश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग काफी लंबे समय से कर रहा हूं और डायरेक्ट सेलिंग में आके बहुत सारी कामयाबी हासिल करी, बहुत सारे सपनों को पूरा किया। आप लोग भी उन कामयाबी को प्राप्त करते हुए अपने सपनों को पूरा करें, यही मेरी आकांक्षा और यही मेरी कामना है। इसी उद्देश्य से मैंने आज का यह सेशन रखा है। जितने भी गैल्वियंस गैल्वे बिजनेस में आते हैं, सबका उद्देश्य है कामयाब होना। लेकिन ये जो जून का महीना, वो कुछ खास है लीडर्स, जबरदस्त है, औरों से अलग है। मैं सभी लीडर्स को बोलूंगा, क्योंकि जो लीडर्स हैं वही डाउनलाइन का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आपको अपनी एक एक डाउनलाइन का, कहते नहीं, जैसे माता पिता बच्चों का हाथ पकड़कर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहते हैं, इस महीने एक एक पल और एक एक मिनट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आपको मैं कहना चाहूंगा। तो इसके में खास क्या है? देखो, हम सब आए हैं पैसा कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन अभी जो कंपनी ने ऑफर दिया है उस पर काम करने से हमारे सपनों को बहुत तेजी से उड़ान मिलने वाला है। हम एक्सप्रेस की रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं लीडर, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो आज का मेरा सेशन ऑफर से संबंधित है। सभी अपलाइन ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, हर डाउनलाइन ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक और वजह, मैं आपके साथ ये सेशन अभी से पहले भी कई सारे लीडर्स ने आपके साथ ऑफर के एक्शन प्लान का सेशन लिया। आपकी अपलाइन भी लगातार आपको गाइडेंस दे रही है। हम सब इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं क्योंकि हम सबको भी कभी किसी ने ऐसे गाइड किया था। कभी इसी तरह का ऑफर हम सबको भी मिला, जिसकी वजह से हमारी कामयाबी जल्दी मिली। तो लीडर्स, गैल्वे में बड़े बड़े उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो आप सब भली भांति जानते हैं। जस्ट दोबारा से रिमाइंड कराने और याद कराने के लिए आया हूं, कुछ पिक्चर्स लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। चलिए, स्क्रीन शेयर करके मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिखी है, क्या है सफलता? लीडर्स, सफलता पहली बात कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है कामयाबियों का, जिसमें सिर्फ कॉमा होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। यानी कि सफलता में आपने जितने तरह के अपने सपने देखे हैं, हर कुछ दिन पर आप उसे हासिल कर लेंगे। तो यानी वहां पर थोड़ी देर के लिए कॉमा लगता है, फिर आप नए सपनों की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गैल्वे बिजनेस में भी आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनके लिए आप फाइट करते हैं। सबसे पहले बोलूंगा, उन सारे सपनों की सूची जरूर बनाएं। मैं अभी छत्तीसगढ़ रायपुर गया था, तो वहां मैंने लीडर्स की मीटिंग ली, उसकी कुछ ये एक प्रति है। ये लीडर्स अपना नाम लिखा और सबने अपने ड्रीम्स लिखे कि मेरा सपना क्या है। ये देखिए, बहुत सारा है यहाँ पे लिखा है। अगले पेज पे कुछ लीडर्स ने लिखा है, ये सबसे मैंने अलग अलग लिया था। आपको भी सबसे पहले अपना सपना मालूम होना चाहिए क्या है, जिसके लिए आप गैल्वे बिजनेस में काम कर रहे हैं। ड्रीम क्या है वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो इस महीने के ऑफर के अंतर्गत आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो आपने कहीं ना कहीं अपना ड्रीम बनाया होगा। जैसे कि ओ माय गॉड, सबसे पहले मौका मिल सकता है हवाई यात्रा करने का, वो भी देश के अंतर्गत नहीं, अपने देश से विदेश में जाने का। जी हाँ, ये हवाई जहाज की जो आप फोटो देख रहे हैं, ऐसा ही एक बहुत बड़ा हवाई जहाज होगा जिसमें आप बैठेंगे।
जहां पर कि जैसे आप अंदर जाएंगे एयर होस्टेस आपको नमस्ते करके आपका स्वागत करेंगी, दूसरे एयर होस्टेस आपको अपनी सीट पर जाके बिठाएंगे और आप एक अपने जीवन का एक नया अनुभव इंजॉय करेंगे। लीडर्स, हवाई जहाज में बैठना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कई लोग बोलते हैं जिंदगी में एक बार मैं हवाई जहाज में बैठ जाऊं और अपने मम्मी पापा को हवाई जहाज में बिठा दूं, ये तो बहुत बड़ा मेरा जीवन का सिर्फ एक सपना है। लीडर्स, मौका है इस बड़े हवाई जहाज में बैठकर विदेश यात्रा करने का। महसूस करिएगा आप हवाई जहाज के अंतर्गत बैठे हुए हैं, उसे विजुलाइज करिएगा, जो आप लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा। वही हवाई जहाज के नीचे की जो तस्वीर है यह आपको दिखा रही है कि जिस देश में आप घूमने जाएंगे वो बहुत ही निहायत खूबसूरत देश है, समुन्दर किनारे है। आप महसूस करिए इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें जो आपको दिख रही हैं, ऐसे किसी बड़े होटल में आप ठहरेंगे, वहीं समुन्दर किनारे बीच पर आके आप घूमेंगे, वहीं आप समुन्दर में बहुत सारी वाटर एक्टिविटी करेंगे, वहीं दूसरे देश का कल्चर संस्कृति देखने और जानने का मौका मिलेगा। ये सब आप अचीव करने वाले हैं, इसको महसूस करिए, उसका ध्यान लगाइए, अपने आप को महसूस करिए कि आप इस बीच पर घूम रहे हैं। आंखें बंद करके इस बीच पे चलता हुआ अपने आप को महसूस करें। ये सब विजुलाइज करना है जो इस ऑफर के अंतर्गत आपको मिल रहा है। ये नहीं सोचना है होगा, सोचिए हो चुका है, हवाई जहाज में बैठ चुके हैं, विदेश में घूम रहे हैं। वहीं देखिए साथ में, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर घूमने वाली जगहें हैं बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी हैं। दूसरे देश की सर जमी पे जाना, उस देश के अंदर कुछ अलग अनुभव लेना, ये आपके जीवन का एक अलग तजुर्बा होगा। लोग विदेश जाते तो हैं, हमारी जान पहचान के लोग गए तो हैं, लेकिन वो नौकरी करने के लिए जाते हैं। यहां आप घूमने के लिए जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहीं साथ में और आगे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, वहां पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटी करेंगे और भी बहुत तरह के फन करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा यादगार होगा। वहीं एक बहुत सुंदर से होटल में रहने का मौका मिलेगा, समुद्र के किनारे घूमने का अनुभव मिलेगा, ये भी आपके जीवन में एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत बड़ा, जिंदगी भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस होगा। महसूस करिएगा होटल के कमरे के अंदर आप हैं, वहां के आप बड़े टॉयलेट के अंदर झरने के नीचे आप नहा रहे हैं, वहीं नहाने के बाद बाथरोब लेकर आप बाहर घूमने आ रहे हैं, वहां के बड़े बड़े स्विमिंग पूल आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहे हैं, ये सब इंतजार कर रहा है आपका लीडर्स। वहीं हम लोगों का सपना होता है साथ के साथ किसी बड़े डिस्को में जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, इंजॉयमेंट करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही होंगी जो आपको मिलने वाला है। लीडर्स, इतनी सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, बस लक्ष्य याद रखकर फोकस करके उसको प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सभी कुछ आपका इंतजार कर रहा है। लीडर्स, वही कई सारे लोग ना थोड़ी हिम्मत हार देते हैं, उन्हें लगता है यार रहने देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्त हैं वो गेलवे बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं। ड्रीम आपका है, सपना आपका है। दोस्तों, आप गेलवे बिजनेस को समझ गए हैं तो औसत का नियम करता है आप लोगों को खाली प्लान दिखाइए, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान, लोगों को प्लान दिखाइए,
करीब 15 लोगों को लेकर आके प्लान दिखाइए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आगे काम भी बढ़ेगा। जिंदगी में निराश और परेशान नहीं होना है। एक व्यक्ति की स्टोरी लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है एडवर्ड माइकल ग्रिल्स। 7 जून 1974 को इनका जन्म हुआ था। जानते हैं इसके बारे में, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। आयरलैंड में जन्मे इस बच्चे का बचपन आराम से बीता। आयरलैंड देश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक पॉलिटिशियन थे, यानी नेता थे। बचपन से ही इन्हें आउटडोर एक्टिविटी में मजा आता था, बाहर घूमने जाना ये सब अच्छा लगता था। कम उम्र में ही क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख ली थी इन्होंने, ये सारी एक्टिविटी सीखी थी। जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो अपना पहला माउंटेनियन रिंग क्लब बनाया इन्होंने, क्लब बनाया जिसमें कि जो लोग माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग होते हैं उनका क्लब बनाया, माउंटेनियन रिंग क्लब। कॉलेज खत्म होने के बाद वो युवा ना तो राजनीति में जाने का इच्छुक था, क्योंकि पिताजी राजनीति से थे, और ना ही ऐसा जॉब करना चाहता था जिसमें रोज एक ही तरह का काम करना पड़े। सबके अपने अपने अगले ड्रीम थे। हालांकि पिताजी राजनीति में थे तो चाहते वो बन सकते थे, लेकिन इनका मन कुछ और ही था। तभी दिमाग में MI5 एक सिक्योरिटी सर्विस में अपना कैरियर बनाने का इन्होंने विचार किया कि वहां मैं काम करूंगा। इसके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना जरूरी था, ये दो लैंग्वेज आनी जरूरी थी। इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के बाद दोस्तों के साथ ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने आवेदन दिया। अब देखिए, इन्होंने कुछ नया सीखना था, नया करना था, जो जो करना जरूरी था सब करते चले गए। ठीक है जी, ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने आवेदन दिया। फिर क्या हुआ, इस दौरान मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने में सफल हुए और 3 साल तक सेना के लिए इन्होंने काम किया। 3 साल तक सेना में लगे रहे, इनका था कुछ अलग करना है। लेकिन आगे हुआ क्या, एक हादसा था जिसने बदल दी जिंदगी इनकी। क्या है, सेना से जुड़ने के बाद उसे एक दिन नए नए एडवेंचर करने में मजा आने लगा उसे, क्योंकि करना वही था। इस दौरान उसने मुश्किल हालातों में बचने की तकनीक भी सीख ली थी, क्योंकि वो सीखना चाहते थे। सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने सब एक झटके से बदल डाला। 3 साल बाद एक एक दुर्घटना के दौरान उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। एक उड़ान के समय जब वो उड़ान कर रहे थे, उनका पैराशूट नहीं खुल पाया। पैराशूट खुलता है तो हम हवा में ऐसे उड़ने लगते हैं, और 1600 फुट की ऊंचाई से वह पीठ के बल नीचे गिरे, पीठ के बल। इससे उनकी निचली रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई। डॉक्टर ने कह दिया वह व्यक्ति अब पहले की तरह जीवन नहीं जी पाएगा। विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर को हम भगवान के बाद मानते हैं कहीं ना कहीं, और विज्ञान अपनी तरफ से प्रयास करता है सब कुछ बताना। यहां विज्ञान ने कहा आप कुछ नहीं, आगे पहले की तरह जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन विज्ञान से ऊपर एक होती है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर होती है। वो क्या होती है, उससे क्या हुआ, यहां पर देखो लिखा है, हौसले ने दी मजबूती, लेकिन हर मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह से फिट किया। ये पता है कब हुआ और कैसे, जब इच्छा शक्ति थी अंदर मन में था, जब आपने ठान लिया स्टार आरडी बनना है, बनना है, जब आपने सोच लिया मुझे विदेश यात्रा करना है तो फिर करना है। चैलेंजेस कुछ नहीं कर सकती हैं। दुर्घटना के महज 18 महीनों के बाद, यानी 1.5 साल के बाद, जब उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, अपने मजबूत इरादों और हौसले से उस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के अपने बचपन के सपने को साकार किया। लीडर्स, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कितनी बड़ी बात है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने 18 महीने पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। अगला, 23 साल की उम्र में वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश थे, क्योंकि ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं तो ये सबसे कम उम्र के नागरिक बने, यानी सिर्फ
उन्होंने अपने आप को चैलेंज देते हुए ठीक किया, पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, एक रिकॉर्ड दर्ज किया कि उस समय इनसे इतनी उम्र में कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था। देखो, हौसले ने दी मजबूती। हौसला कितनी बड़ी चीज होती है लीडर्स। इस व्यक्ति को आज पूरी दुनिया एक साहस कर्मी, लेखक और टेलीविजन प्रस्तोत के रूप में जानती है। आज अगर वो बेचारा बन जाता, बोलता कि अब तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब मैं क्या करूंगा, तो आज पूरी दुनिया उसको नहीं जानती। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने किस तरह से पहले जीवन जिया, फर्क पड़ता है आगे हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। वो हौसला आपको कामयाब होने की मजबूती देगा। लीडर्स, अंदर से मजबूत रहना है, स्टिक रहना है। चाहेंगे आप तो एक दिन में भी 3 डायरेक्ट सेल्स निकल सकती है, लेकिन रोज बारी बारी एक एक व्यक्ति को लाकर शोध प्लान में अपने डालें और आगे बढ़ाएं। आगे देखिए इस व्यक्ति को, क्या बात है, क्या ऊंचाइयां इन्होंने हासिल करी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी फोटो है। देखिए, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डिज्नी चैनल के मैन वर्नस वाइल्ड के नाम से जाने माने प्रस्तुतकर्ता बेयर ग्रिल्स है। यानी ये डिज्नी चैनल के अंदर भी इनका नाम है इतना बड़ा। देखिए इस शो के दौरान, ये शो जो ये करते हैं, बहुत सारे शो इन्होंने किए, बेयर ने, इनका नाम है बेयर ग्रिल्स ने, सुनसान जंगलों में, रेगिस्तानों में, बर्फीले निर्जन स्थानों और भीड़ों में जिंदा रहने की तकनीक बताई हुई है। वहीं देखिए क्या किया। 2005 में बेयर ग्रिल्ड ने अपने दो साथियों के साथ 7,600 फीट की ऊंचाई पर, जहां गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे डिनर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपनी जिंदगी में एक नया एडवेंचर भरा रिकॉर्ड दर्ज किया। ये देखिए, नजदीक से दिखा रहा हूं तस्वीरें, ये देखिए क्या मतलब, क्या जुनून है, क्या पैशन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहोगे सब संभव हो सकता है। इन्होंने एक लाइन भी लिखा और बताया लोगों को, जीवन शानदार उपहार है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और मुश्किल वक्त में ईश्वर मदद करते हैं। जब आपने सोच लिया कि मुझे कुछ बनना है और कुछ करना है लीडर्स, तब ईश्वर भी आता है आपकी मदद करने के लिए। जब आप पूरे दिल से, जुनून से सोच ले तो मुझे कुछ चाहिए, तो पूरी कायनात लग जाती है मदद करने के लिए आपको लीडर्स। तो देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है, एक लाइन में याद रखिएगा। जो सीडीज हैं, डायरेक्ट 3 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए बनना है पीडी, पीडी आपको बनना है ईडी, ईडी आपको बनना है एसडी, और एसडी आपको बनना है आरडी। कितना सरल है। डेट याद रखिएगा, लेकिन 28 जून 2023 है। तो आप लोग अपने इन सपनों को याद करिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो जो आपने सोचा महसूस किया, याद रखिए बिल समय पर होना जरूरी है। एक शादी का कार्ड आता है घर में ना, तो उसमें कुछ लाइनें लिखी होती हैं कि एक बच्चों की, मतलब छोटे बच्चे लिखते हैं उसमें कि ना कोई बहाना ना कुछ, ऐसे करके आपको मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना है। तो वहां पर वो बहाने वाली बात लिखते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे चाचा जी की शादी उसमें आना है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, लगातार समझा रहा हूं, बिजनेस हो जाता है, बिल समय पर होना जरूरी है। कई बार हमारे फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि सर मैंने दिल्ली से स्टॉक मंगाया, जितने दिन का समय है आपको समय पर स्टॉक के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको मनी रिचार्ज के लिए समय पर देना पड़ेगा। हर किसी की अपनी समय सीमा है, किसी दूसरे पर आप इल्जाम नहीं डाल सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है डेली और साथ के साथ ऑन टाइम बिलिंग, साथ के साथ कराएं। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। आखिरी दिन पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
अभी गोवा के एक होटल में गया था, मैं उसका फोटो खींचना भूल गया। उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में आते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में सारी सर्विस बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, आराम से मिलेगा। 8 से 9 के बीच में आते हैं तो आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे उसमें 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है, और आप 9:30 बजे के बाद आएंगे तो वहां पर जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसमें समय आधा घंटा लग सकता है। उन्होंने ये बात पहले ही लिख दिया, और उनको ये बात मालूम है कि लोग सबसे ज्यादा आखिरी के समय में आते हैं जब ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला होता है लीडर्स, बट उन्होंने बता दिया आप हमें बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल जब ब्रेकफास्ट शुरू होता है वो हैंड टू हैंड इसलिए दे देते हैं क्योंकि सबसे कम लोग होते हैं, उसके बाद थोड़े ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। वैसे ही मैं सभी फ्रेंचाइजीज को बोलूंगा और उनके लीडर्स को बोलूंगा, और यहां पर आपको कहना चाहूंगा मैं, आप कंपनी पर इल्जाम मत डालिएगा, कंपनी से समय पर प्रोडक्ट नहीं मिला, कंपनी से समय पर मेरे को रिचार्ज नहीं मिला। आखिरी के दिन में आएंगे तो नॉर्मल समय में लगता है 30 मिनट, तो उस दिन लगेगा कम से कम 3 घंटे, याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट लोग एक साथ कर रहे होते हैं। तो कंपनी पर ना डालें, मैं सभी लीडर्स को बोलूंगा, सभी लीडर्स को फ्रेंचाइजीज के साथ तालमेल बनाएं, फ्रेंचाइजी लीडर के साथ तालमेल बनाएं, क्योंकि ये ऑफर एक बार मिला है। इस ऑफर में एक एक व्यक्ति को लाना बहुत बहुत जरूरी है उनके सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखिए, पीछे की स्लाइड दोबारा लेके जा रहा हूं आपके पास, ये सारे के सारे सपने पूरे करने के लिए, हवाई जहाज, विदेशी होटल, वहां पर समुन्द्र किनारे घूमना, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए समय पर बिलिंग बहुत जरूरी है। और जहां पर समय पर बिलिंग का क्या होता है, पता चल जाता है कितनी सेल हो गई, कितनी रह गई। एक साथ आप लोग भी सारे लीडर फ्रेंचाइजी में आखिरी दिन चले जाएंगे, फ्रेंचाइजी बेचारा किस किस के बिलिंग करेगा, तो उसके लिए भी चैलेंज है। इसीलिए हैंड टू हैंड बिलिंग साथ में कराएं, कोई बहाना नहीं, सर फ्रेंचाइजी को पैसा दिया हुआ था, उसके यहाँ इंटरनेट चला गया, आप बिल्कुल भी ना बोले कहें, कंपनी में भेजा था, कंपनी आपको क्रेडिट मनी पैसा तब देता है जब कंपनी के खाता में रिफ्लेक्ट होता है। कभी 15 मिनट लगता है, कभी 1 घंटा, कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। आप फ्रेंचाइजी लीडर को ये नहीं बोल सकते मैंने कंपनी में भेज दिया है, इसके लिए आपको समय पर पहले भेजना पड़ेगा। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, अपनी क्लोजिंग कोशिश करें क्लोजिंग वाले दिन दोपहर तक आपकी खत्म हो जाए, उसके लिए हैंड टू हैंड साथ के साथ बिलिंग करना जरूरी है। तो लीडर्स अभी से प्लानिंग करें, अपनी सेल डालें, ये विदेश, ये जगह, ये जो तस्वीर अपनी आंखों में बसाते हुए महसूस कर लीजिए, आपका इंतजार कर रहा है, और साथ के साथ स्टार बनकर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बहुत सारे लोगों की आप शेयरिंग सुन चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आप जानेंगे जिन्होंने एक एक महीने में कई लाख रुपया एक्स्ट्रा सिर्फ स्टार होने की वजह से कमाया, और गैलवे में करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ स्टार थे इस वजह से हुआ। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाएं। दोस्तों स्क्रीन यहां पर, मैं यहां पर अपने स्क्रीन को रोक रहा हूं और सामने आके आपसे बात कर रहा हूं। बस आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को, इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी को लीडर्स, एक जीवन मिला है, एक जीवन में कोई 20 साल जीता है, ईश्वर कई लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, और कोई सदियां जी जाता है। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग, जब तक ये पृथ्वी रहेगा उसका नाम पूरी पृथ्वी और पूरी दुनिया जानेगी, वो सदियां जीकर चले गए। हम कैसा जीना चाहते हैं, उसकी शुरुआत है इस ऑफर को अचीव करके। ऑफर अचीव करते ही स्टार बनते हुए ये सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सुझाव है आप सभी से, मेरा सभी लीडर से, CD, PD, ED, ST, RD, LDD, GDD,
अपनी तीन एक्टिव लाइनें चलाइए, सभी लीडर्स को बोलूंगा, और उनको चलाकर उनको पीडी बनाइए, तीन उनका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपका स्टार आरडी बनेगा। तो आज अपने हर सीडी को आप स्टार आरडी देखिए, उसके लिए ये महीना, सिर्फ यही महीना है, बार बार कह रहा हूं। कई बार लोग के दिमाग में भ्रम होता है कि दोबारा टारगेट, दोबारा ऑफर आ जाएगा, भ्रम नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ इसी महीने का ये ऑफर है, याद रख लीजिए आप, इसी महीने के लिए। तो इस महीने अचीव करना जरूरी है। सभी आरडी को बोलूंगा, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तीन लाइनों में अपना बिजनेस बढ़ाइए। मैं कहता हूं जितने आप एसडी हो, इवन ईडी हो, अपनी तीन लाइनों को, मेरे यारो, चाहे जितने पीडी हो, अपनी तीन लाइनों को खाली साथ में चलाइए। वो तीनों अपने स्टार आरडी बनने के लिए जा रहे होंगे, और आप अगले चंद महीनों में आप एलडीडी बन जाएंगे। और शायद कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, शायद कोई ऐसा आरडी होगा जो कि अपने नीचे तीन लोग को फाइट करा रहा होगा आरडी बनने के लिए, वो अपने नीचे तीन तीन लाइनें लेके चल रहे होंगे, शायद आप आरडी के साथ जीडी बन जाएं। और मैं कहता हूं हर एलडीडी को, गारंटेड आप प्लानिंग के तहत काम करिए, जीडी बनना आपका निश्चित है। यानी कि यहां मुझे जो लग रहा है, जितने एसडी हैं, एसडी और आरडी तो मुझे दिख रहे हैं कि आप एलडीडी बन गए साहब, लेकिन तीन लाइनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स अपनी नीचे की जितनी डाउन लाइन है। इस महीने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का सेम लेवल नहीं रहना चाहिए, हर सीडी को तीन डायरेक्ट करा के पीडी बनाना ही बनाना है, सुपर बनाते हुए। इतने बड़े सपने इंतजार कर रहे हैं, पीडी को ईडी, ईडी को एसडी, एसडी को आरडी। ये महीना सबसे महत्वपूर्ण है, आइए मिलकर अपनी पूरी टीम में इस महीने ये ऑफर को अचीव कराते हैं, क्योंकि इस महीने के बाद अगले महीने खाली उसको मेंटेन करते हुए जाना होगा। तो इस महीने करवाइए, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़ी आपकी अचीवमेंट्स आपका इंतजार कर रही है, विदेश यात्राएं, बहुत बड़ा इंसेंटिव, बड़े होटल्स, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे मन लगाकर एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करके कार्य करें, बिलिंग समय पर कराएं। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।